ये देखने के लिए इतना छोटा है लेकिन इसका जो आवाज निकलता है ना वो बहुत पावरफुल। क्या लिखा है तेलुगु में मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो कैसा चल के आ रही, देखो है ना, सारे गिरा दिया लगभग पूरा गिरा हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। फिर से और एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोच रहे हैं आपका भाई डांस कर रहा है बोल के, तो मैं थोड़ा बहुत डांस भी कर लेता हूँ। और मेरे हाथ में ये क्या चीज़ है आप लोग को मालूम है? थोड़ा आप लोग अच्छा से इसको देख लो, ये है मेरा छोटा मिनी स्पीकर, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैं फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया था जो कि आज वो डिलीवरी हुआ है। इतना छोटा आप लोग स्पीकर इसको देख रहे हैं ना, ये देखने के लिए इतना छोटा है लेकिन इसका जो आवाज़ निकलता है ना वो बहुत पावरफुल है। बोले तो इसका जो आवाज़ निकलता है वो 3 वाट है। देखने के लिए इतना छोटा है ना, देखो पूरा हाथ में, देखो तो एक मुट्ठी में आ जाता है ये स्पीकर। तो दोस्तों, ये है JBL कंपनी का एक मिनी स्पीकर जो कि मेरे को ये फ्लिपकार्ट में लगा 530 रुपया। आप लोग भी चाहे तो इसको फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। और इसका जो म्यूजिक क्वालिटी है, आप लोग को मेरा जो वीडियो में मैं अभी डांस कर रहा था ना, कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। म्यूजिक क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार आप लोग इसको अच्छा से देख लो, तो इसका देखो इधर ये पीछे में एक बटन है ना, देखो इसमें ही उसको पावर ऑन भी किया जा सकता है और इसी बटन से म्यूजिक ऑफ ऑन भी किया जा सकता है। अभी मैं इसको म्यूजिक ऑफ है, अभी इसको मैं दबाएगा तो म्यूजिक ऑन हो जाएगा। तो मैं अभी इसको दबाएगा तो फिर से म्यूजिक ऑन हो जाएगा ना, ये देखो नीचे आगे साथ समुंदर। तो ऑफ कर देते। तो दोस्तों, आप लोग को ये चीज़ कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आपका भाई को थोड़ा ऐसा शौक है, उसके लिए बहुत सारा चीज़ वो चीज़ कर लेता है फ्लिपकार्ट से, नहीं तो दूसरा एप्लीकेशन से। आपका भाई को ये सब चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट है, उसके लिए मैं ऐसा चीज़ परचेस कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ अच्छा लगता है खरीदने के लिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है ये जो छोटा सा स्पीकर आप लोग को कैसा लगा। इतना छोटा स्पीकर है लेकिन बजता है, पूरा धमाल मजा देता है रूम में। तो चलो दोस्तों, आज का प्यारा सा ब्लॉग को हम अभी से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, पहले लवली से शुरू करते हैं। लवली का रिएक्शन क्या होता है इसको देखकर, तो अभी देखो इसमें छोटा बच्चे का ही गाना बज रहा है ना, अरे गिरा दिया लवली, पूरा गिरा दिया। हाँ पकड़ो, अरे लवली तो इससे डर रही है। अरे तो लवली को ये पसंद नहीं है। तो देखो आराम से लवली का हाथ में भी ये स्पीकर आ जा रहा, पकड़ो पकड़ो। तो फ्रेंड देखो लवली को ये सीढ़ी का ऊपर अभी ये उठ रहा है। चलो चलो लवली, उठो उठो उठो, हाँ उठो, हाँ हाँ आराम से उठो आराम से उठो। अरे देखो तो इतना अच्छा से उठ जा रहा है, तो देखो और एक सीढ़ी उठो उठो, और एक सीढ़ी उठो, हाँ उठो उठो, ऊपर उठो ऊपर उठो, चलो। तो दोस्तों देखो इधर से अभी कितना सीढ़ी उठ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीढ़ी है, तो अभी ये 5 सीढ़ी उठ गया है। अरे बैठ गया, उठो उठो ऊपर उठो ऊपर उठो, चलो चलो, हाँ उठो। तो देखो कैसा उठ रहा है, तो देखो और दो और दो, उठो उठो और दो है, उठो, हाँ हाँ ऊपर चलो ऊपर चलो, हाँ हाँ ऊपर। तो बोल रहा देखो आगे जाएंगे, हाँ और चलो और एक है और एक, ये छोटा है ना, हाँ तो आ गया। अभी देखो लवली अभी छत का ऊपर आ गया, तो देखो उसका ड्रेस को देखो, ड्रेस इसको नहीं हो रहा है, निकल जा रहा है। लवली लवली का बॉडी से वो ड्रेस का साइज ज़्यादा बड़ा है ना, देखो कितना सुकून से घूम रहा है आप छत के ऊपर आकर। ये क्या मिल गया लवली को, देखो क्या उठा रहा है, देखो क्लिप, वो ड्रेस में लगाने वाला क्लिप को लवली को अभी मिल गया है। फिर दो दो मिल गया है, दो हाथ में दो पकड़ के आराम से घूम रहा है। देखो लवली आराम से घूम रहा है, और ये स्पीकर को लवली को अच्छा नहीं लगा, इतना छोटा स्पीकर लवली के हाथ में आराम से आ जाता, लेकिन वो गाना भी उसको शायद अच्छा नहीं लगा, उसके लिए इसको फेंक दिया। तो अभी राखी को पूछेंगे और राखी का रिएक्शन कैसा है देखेंगे, इतना छोटा सा स्पीकर राखी को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो राखी को पूछेंगे स्पीकर कैसा है, बोलो बोलो कैसा है, कौन सा संग चल रहा अभी? तो अभी चल रहा तेलुगु संग, ठीक है। पास में लाएगा तो अच्छा सुनने में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा कम में रखा है मैं अभी। तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा ना,
तो मैडम को ये चीज अच्छा लगा, बट लवली को अच्छा नहीं लगा, उसके लिए लवली फेंक दिया इसको। और लवली देखो ये क्या कर रहा है, देखो क्या खा रही थी, देखो जाम। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं पीछे में लवली क्या कर रहा है अभी रोड का ऊपर। तो ये देखो लवली उधर खड़ा है और पास में है पिताजी और राधिका और देविका, और राधिका और देविका के साथ अभी लवली उधर खेल रही है। चलो मैं आप लोग को पास में लेकर दिखाता हूँ। तो ये देखो, तो लवली को देखो कितना बदमाशी करता है, रोड का ऊपर भी आ गया है। आप ये देखो, ये चप्पल भी नहीं पहना है, ऐसा ही आ गया है इधर बदमाशी करने के लिए। जो मिल रहा है उसको खा रही है अभी। कैसा चश्मा पहन रही, तो देखो आ जाओ चलो। तो देखो कैसा चल के आ रही, देखो बाय बाय कर दो लवली, बाय बाय इधर देखो, बाय बाय हाई हाई करो। तो ये रहा देविका, उधर आ रही सामने में राधिका। हाँ चलो आगे चलो, बहुत क्यूट लग रही है ना। हाँ ऐसा देखो एक बार सामने से, एक बार देखो इसको। चश्मा लगा कर कलरफुल देख रही है उसको अभी, कलरफुल। कौन सा काला, ये वाला काला है? हाँ ये काला काला चश्मा, इस बार इसको लगाओ। हाँ लगाओ, ये निकल देगा। तो दोस्तों आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपका भाई तो अभी घर में था, ये कहाँ आकर रोड का साइड में ऐसा किनारे में बैठ गया है। तो आप लोग सही सोच रहे हैं, तो घर का अंदर में बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा था, उसके लिए आपका भाई थोड़ा ऐसा घूमते घूमते आ गया है। ये पीछे में आप लोग देख रहे हैं ना, ये है जंगनी गुड़ा, ठीक है। मैं जिधर रहता है ना, ये उसके पास का गाँव है। तो मैं अभी आ गया हूँ इधर हवा खाने के लिए, इधर मस्त हवा चल रहा है। और मेरा पूरा पीछे साइड में आप लोग देख सकते हैं, पूरा जंगल का जैसा आप लोग को थोड़ा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा होगा ना। और ये रहा रोड, मैं इसी रोड से अभी मैं आया हूँ, शायद मैं घर से इधर आ गया हूँ 2 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा इधर मैं अभी बैठूँगा आराम से, थोड़ा अच्छा से सांस लूँगा, क्योंकि इधर बहुत नेचुरल हवा चलता है। बाद में जाऊँगा घर। तो ये देखो तो क्या लिखा है तेलुगु में, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ गाँव का नाम लिखा होगा, क्योंकि ये रोड का आगे में जो गाँव होगा उसी के बारे में लिखा है। और ये बगल में देखो क्या मिला है, पपीता। ओ आगे में भी पपीता है, और मेरे को इधर से 2 मयूर भी आगे में दिख रहा है, लेकिन आप लोग को दिखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मेरा कैमरा का इतना पावर नहीं है। और इधर थोड़ा आकर मेरे को अभी बहुत अच्छा लगा, ये बहुत दिन के बाद मेरे को ये पपीता भी देखने के लिए मिला। और अभी तो शाम भी होने वाला है ना, तो मेरे को अभी घर भी जाना पड़ेगा। वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा मस्त नहीं आएगा, तो मेरे को अभी ये वीडियो को इधर एंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरा चैनल में आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो दोस्तों बस आज का ये वीडियो इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय। समुंदर।